इसके लिए हम लोगों ने एक अपना फंक्शन बनाया था जिसको हम लोगों ने बटन पर ट्रिगर किया था, और हमने यहाँ पर शॉर्टिंग के अंदर फंक्शन कॉल किया था रिटर्न 0.5 माइनस मैच डॉट रैंडम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने इसको डिस्प्ले करा दिया था रिजल्ट को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नंबर 7 आज की डेट में, फाइंड द लोएस्ट नंबर नंबर क्या है इसमें 4। ठीक है, तो नॉर्मली अभी अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो डिफॉल्ट जिस तरीके से आपका एरे लिखा गया वैसे ही आएगा। परफॉर्म करेंगे इसके साथ यहाँ पर शॉर्ट मेथड और इसमें कॉल करेंगे एक्स। तो हमने लास्ट क्लास में इसके अंदर एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन जिसके अंदर हमने पैरामीटर सेट किया था ए कॉमा बी, और यहाँ से हमने रिटर्न किया था ए माइनस बी, और इस तरह से लिख के जब हमने इसको ट्राई किया था तो हमें इसका लोएस्ट नंबर कहीं कुछ मिसिंग है। फंक्शन कर्ली ब्रेसेस यहाँ दूसरा ब्रैकेट लग गया कर्ली की जगह पर, ये मिस्टेक हो गई है। तो लोएस्ट नंबर आ गया हमारे पास, इस तरह से आप इसमें से लोएस्ट नंबर निकाल सकते हो ढूंढ के। इसी तरह से अगर आपको हाईएस्ट नंबर निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे आप? कर दें यहां पर रिवर्स, ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ जाते हुए अपना बन जाएगा। अब ये अलग काम हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैथ के अंदर हमारे पास मिन और मैक्स दो चीज़ें होती हैं, उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। Using math dot min
पर जाके आप एक फंक्शन बना लोगे, और इसके लिए हम लोग दो आईडी ले लेते हैं, डेमो वन एंड डेमो टू। वन में नॉर्मल रिजल्ट रख लो, एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन नेम माय फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, इसमें जाके पैरामीटर सेट कर दो लाइक एरे। यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न देखेंगे मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई, और यहाँ जाके आपने कॉल कर देना अपना नल और एरे। और इस माई फंक्शन को आपने क्या करना है, हमने बनाया से डेमो टू, डेमो टू के अंदर जाएंगे लिखेंगे यहाँ से माई फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या कॉल कर देंगे एक्स, और यहाँ जाइए रन कीजिएगा इसको। तो लोएस्ट नंबर इसमें से क्या है, इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, वन इज नल एंड सेकंड इज जो भी आपका एरे का आप नेम रखना चाहते हो पैरामीटर का, हमने क्या रखा डबल एरे। तो ए बी सी डी एक्स वाई जी कुछ भी रख सकते हो, तो हमने एरे को पॉइंट करने के, इससे क्या आपने सिंगल वैल्यू फेच करके इसमें से निकाल लिया। तो क्या लिखा, मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई, ये दो मस्ट है इसके अंदर, पहला जाएगा आपका नल, सेकेंड रहेगा आपका एरे, इसके साथ कुछ भी लिख सकते हो ए बी सी डी, बट नल इज प्री डिफाइंड, ठीक है। तो आपको लोअर नंबर निकाल के देगा इसके अंदर से, ऐसे अगर आप हाईएस्ट नंबर निकालना चाहते हो इसके अंदर तो आप लिखेंगे मैक्स, इसके लिए लिखेंगे मिन मैथ डॉट मैक्स फंक्शन। सबको जैसे भी रहने दो, बस यहाँ पर लिखना है मैक्स डॉट अप्लाई, कंट्रोल एस करेंगे इसको, ओह फाइल का नेम गलत हो गया, दस नंबर ऐसे, चलो तो मैक्सिमम नंबर क्या हमारा इसके अंदर हाईएस्ट 50, तो आप यहाँ से बड़ा नंबर इसमें से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, इस फाइल को पहले यहां अपडेट करो, फिर सेव करेंगे नंबर 11, यूजिंग अ कस्टम माय एरे मिन मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हो गए हमारे पास जो कि प्री डिफाइंड है, एक तो मैथ वाला और एक हमने जो रिटर्न वाला देखा है, ठीक है। तीसरा हम लोग अपना कस्टम देखेंगे, हम लोग अपना कस्टम मेथड कैसे बनाए इसमें। तो हमारा टॉपिक है यूजिंग अ कस्टम, कस्टम को हम लोग इसको बोलते हैं जनरली होममेड, ठीक है, होममेड मेथड, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ कस्टम या होममेड, माय एरे मिनिमम मिन मेथड, ठीक है जी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अपना एक एरे डिफाइन करके रखिए, एक फंक्शन वालो माय फंक्शन, और यहां से हम एक वेरिएबल अपना सेट कर लेंगे इसके अंदर लाइक लेंथ, लेंथ इक्वल टू हमने जाके यहाँ पर डिफाइन कर देना है एरे डॉट लेंथ, एक बना लो लेट या वेर में, जैसे हमने रखा मिन इक्वल टू, यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, आई बड़ा बनेगा। व्हाइल लूप आपने रन करना है इसके अंदर, व्हाइल लूप, और इसमें जाकर डिफाइन कर देंगे लेंथ माइनस माइनस,
ठीक है, तो ये घटते हुए उसमें आपको, और यहाँ पर हम जाके लिखेंगे इफ एरे, जो हमने यहाँ पर ये अपना पैरामीटर सेट किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग लेंथ को कॉल कर देंगे इज लेस देन मिन। तो यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे मिन इक्वल टू एरे और उसकी लेंथ। तो हमने क्या करा, पूरा अपना एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक कस्टम अपना मेथड बना दिया। व्हाइल लूप जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से आपने कर देना रिटर्न मिनिमम नंबर, मैक्स के लिए बना होगा तो यहाँ पर मैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें कुछ रैंडम नंबर अवेलेबल है, ये आपका डिफॉल्ट रिजल्ट आपको प्रिंट कर देगा। डेमो टू जो है हमारा, उसके अंदर हम लोग अपने माई फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको। मिल गया नंबर फोर। तो अब इसमें क्या है, देखो ये हमने कस्टम अपना पूरा लिखा है ये चीज बनाने के लिए, क्योंकि यही सारी कोडिंग जो होती है मैथ डॉट मिन के अंदर डली होती है। जो मैथ डॉट मिन आप लिखते हो ना, मैथ डॉट मिन के अंदर यही लॉजिक चल रहा होता है वहां पर। लेकिन क्या होता है, हमारा वन लाइन में काम खत्म हो गया, लेकिन वो काम कैसे करता है उसका पूरा पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे अगर आप मैक्सिमम नंबर निकालना चाहोगे, माई एरे यूजिंग अ कस्टम और होममेड मेथड फॉर मैक्स नंबर 12 एक्सटेंशन डॉट html, तो अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, ये हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो यहां जाएंगे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको मैक्स के लिए, आप सीधे भी लिख सकते हो उसको शॉर्ट में अगर निकालना चाहते हो। यहाँ अच्छा बीएस कोड नहीं है, मैं इसको कमेंट करने वाला था। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट और यहाँ जाके आप लिख सकते हैं इसके अंदर रिटर्न मैथ डॉट मैक्स डॉट यहाँ से अप्लाई, और यहाँ जाके हमें क्या लिख देंगे नल और एरे। तो ये वाला कोड पूरा बंद हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट से, ठीक है ये रहे ना रहे, और जरा चेक करके देखो काम होना चाहिए। ठीक है, तो नोटपैड ओपन करके रखेंगे, इस कोड को हटा दो। तो देखो एक छोटा सा कोड हमारा ये हो गया, एक हमने मैक्स का कोड यहाँ पर बनाया। ठीक है, पर दोनों में हमारा काम सेम ही हो रहा है। ठीक है, मेन वाले कोड को यहाँ ले आओ, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ से इसको करेंगे बंद और नंबर 12 को इसमें लगे डालिए और इसको रिप्लेस कर देंगे दिस कोड। और ट्राई करते हैं यहाँ पर लेंथ को क्या कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स कर लीजिए, मैक्स मैक्स इक्वल टू रिटर्न मैक्स और एरे, और बस चला गया। माइनस माइनस रखो और लेंथ इज ग्रेटर देन
मैक्स पे ले जाओ। हमें इन्फिनिटी रिटर्न हो रहा है इसमें, ठीक है, और लेस देन 4, ठीक है। व्हाइल लूप इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हमारा लूप में फंस रहा है। नहीं, उसी में आ जाएगा, उसी में ही हो जाएगा, उसी में हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम लूप के अंदर गया हुआ है। इसको आप उससे चलाओ, इसका देखता हूँ मैं लॉजिक क्या लगेगा इसके ऊपर। Properties
फंक्शन डॉट ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जाके आपने लिखना है वेरिएबल लाइक अनडिफाइंड वेरिएबल कार्स, कार्स इक्वल टू आप इसमें जाके अनडिफाइन करेंगे इस तरह से। जैसे कि टाइप क्या है कार का, मैं यहाँ जाके लिख दिया हुंडई, किसी और का मॉडल है वो जाके अनडिफाइन कर दोगे, जैसे कि 2016 कॉमा लगाओगे। ऐसे आप मल्टीपल जितने भी आपके ब्रांड डिफाइन करने डिफाइन कर लो, जैसे कि टाटा, ठीक है, महिंद्रा, तो कोई भी रैंडम नंबर सभी को, जैसे कि यहाँ से हमने इसको 10 कर दिया, यहाँ से हमने इसको 2005 कर दिया, इस तरह से डिफाइन करो, लास्ट में लाके इसको अपने क्लोज कर लेना है। तो हमारे पास टाइप में 3 डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है। कार्स का रिजल्ट लेके आओ, लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमने ऊपर क्या है डेमो 1 डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है कार्स, कार्स को प्रिंट करो, तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह रिटर्न आना चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट हमारे पास 3, और हमें 3 ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन किए 1 2 3। तो हमें 0 पोजीशन का ऑब्जेक्ट रेंडर करना है, उसका टाइप पता करना है, प्लस यहाँ पर कार्स 0 डॉट उसका ईयर क्या है ये पता करना है, प्लस बीआर लगाएंगे। अगर आप दूसरी कार का रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 and 1, वेयर द का पार्ट कॉपी ऑलरेडी बी आर हमारे पास लगा हुआ है, यहां से ये क्या लगा हमारे पास 2 and 2। पहले एक कार का चेक करके देखो कि हम लोग एक कार का डेटा ला पा रहे हैं कि नहीं। कार्स टाइप इज अ की, ईयर इज अ की, कार्स 0 डॉट टाइप, कार्स 0 डॉट प्लस मिसिंग है, अरे 2016 इसको शॉर्ट करें, यहां पर यहां जाइए, तो आपने क्या करना है यहां बनाना है कार्स डॉट शॉर्ट एक फंक्शन
फंक्शन बना लेंगे जिसमें लिखेंगे ए कॉमा बी और यहां से रिटर्न करेंगे ए डॉट ईयर माइनस बी डॉट ईयर। ठीक है, हमें ईयर के बेसिस पर इसको बेसिकली शॉर्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे जरा आउटपुट चेक करके देखें कि क्या हमारा ये शॉर्ट हुआ कि नहीं। तो महिंद्रा देन टाटा देन हुंडई। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी शॉर्टिंग परफॉर्म करवा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले हम लोग यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी लिख रहे थे। हमने क्या लिखा, कार इज ऑब्जेक्ट, शॉर्ट कर रहे हैं उसको, किस बेसिस पर कर रहे हैं, उसकी की वैल्यू के बेसिस पर। तो की वैल्यू क्या है हमारी, ईयर, ईयर में नंबर मेंशन है। अल्फाबेटिकली अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप टाइप को लिखोगे। ठीक है, लेकिन टाइप कराने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये नंबर्स के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, नंबर के बेसिस पर अगर हमें डिफाइन करना हो। स्ट्रिंग के बेसिस पर करना होगा तो हम लोग यहाँ जाएंगे, शॉर्ट ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। तो अपना ये पार्ट एज इट इज रहेगा। हम एक फंक्शन यहां बना लेते हैं, इसको यहां क्लोज कर दो। बनाइए फंक्शन, माय फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, और ये जो कार डॉट शॉर्ट आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है इसको लेकर आइए फंक्शन और यहां जाके हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल x इक्वल टू a डॉट क्या लिखेंगे टाइप डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर अपर केस लोअर केस करने का तरीका होता है। वाई इसको लिखेंगे बी डॉट टाइप टू लोअर केस, यहां लिखेंगे इफ एक्स इज लेस देन वाई। तो यहां से रिटर्न करेंगे हम लोग माइनस वन, और अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो पॉजिटिव वन, अदरवाइज रिटर्न जीरो। यहाँ ये एक फंक्शन बना लो डिस्प्ले कार्स और इस पूरे को उठा के इसमें डाल दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे कार्स, फिर यहाँ से प्लस का एंटर करेंगे, फिर यहाँ से प्लस के बाद एंटर करेंगे। इसमें कोई चेंज रहेगा, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, और डिस्प्ले कार फंक्शन को प्रिंट करवा दो। माय फंक्शन डाल दिया और ये माय फंक्शन रेंडर हो जाए तो उसके लिए क्या लिखेंगे डिस्प्ले कार्स यहाँ पर। तो चलो जरा देखें रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। कुछ एरर बना है, जरा चेक करो क्या बोला है। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर माय फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हमने डाला डिस्प्ले का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या लिखा रहा है हुंडई टाटा एंड महिंद्रा। ठीक है, हुंडई टाटा एंड महिंद्रा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर बदल के देखते हैं।
एक पर नहीं है, ये हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बेसिस पर। माय स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज, तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर कार माय फंक्शन कार डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी वेरिएबल एक्स में हम लोग डिफाइन करें ए डॉट टाइप टू लोअर केस बी डॉट टाइप टू लोअर केस एक्स इज लेस देन वाई रिटर्न माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई रिटर्न पॉजिटिव वन रिटर्न जीरो और डिस्प्ले कार्स, डिस्प्ले कार्स के अंदर हमारा ये अलग काम कर रहा है। फंक्शन को प्रिंट करो, क्या दिखाई दे रहा है टॉप पे, ठीक है। और अगर हम लोग नॉर्मली प्रिंट कराते हैं अपना डिस्प्ले कार्स, तो जिस ऑर्डर में हमने डेटा मेंशन किया वैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए टाटा महिंद्रा हुंडई, ठीक है। और अगर हम लोग अपना शॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारा टॉप में आ रहा है, तो ये हुआ आपका इसके लिए टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग। तो इसमें हमने क्या करा, डिस्प्ले कार्स को इसके अंदर रखा है, तो हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। माय फंक्शन प्रिंट करोगे तो आपका डिस्प्ले कार्स भी साथ में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा विद शॉर्टिंग। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप नंबर के बेसिस पर या फिर स्ट्रिंग के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर भी शॉर्ट करना चाहो डेटा को इजिली शॉर्ट करवा सकते हो। तो ये था आपका शॉर्ट करने का मेथड। तो इतने सारे तरीके असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर के साथ टेक्स्ट के साथ, ठीक है, अलग अलग। तो ये एरे की हमारी थर्ड क्लास चल रही है, एरे एरे, और आज भी हमारा एरे ही चल रहा है। एरे में अब देखेंगे हम लोग इटरेशन, लोकेशन यहाँ जाएंगे, फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे वन एरे डॉट फॉर ईच एक्सटेंशन डॉट, यहाँ जाइए कॉल करिए इसको फॉर ईच, यहाँ से सारा कुछ क्लियर करो। डेमो वन के अंदर इसको कॉल करा लेंगे, हाँ चाहिए कॉल लीजिए। तो एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया कॉन्स्टेंट नंबर्स, नंबर्स इक्वल टू आप यहाँ पर जाके कुछ नंबर डिफाइन कर लो, हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कॉल कर, यहाँ पे लिखिए लेट टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू ब्लैंक, लिखिए नंबर डॉट फॉर ईच माय फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग नीचे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, आई डी जो रहेगा हमारा वो रहेगा डेमो वन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू लोग टेक्स्ट वेरिएबल को इसमें कॉल कर देंगे। फंक्शन बना लीजिए माई फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, इसके अंदर जाके आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट करेंगे लाइक वैल्यू इंडेक्स एंड एरे, डिफाइन कर दो टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू
इसको। आप ट्राई करके देखें यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग क्या करें, किधर गया ये, यहाँ से इसको रन करो। तो हमें क्या करना है, 10, 5, 15, 11, 21, 25, 50, 13 हमने क्या करा, इसको इटरेट कर दिया फॉर ईच लूप के साथ, ठीक है। तो ये आपका लूप का एक नया तरीका। इससे क्या हुआ कि बिना कुछ ज़्यादा कुछ लिखे हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू जो भी है उसको br लगा के सीधे कॉल कर दिया। अब चाहो तो आप इसको unli के अंदर चलाना चाहो, या फिर आप इसको ऑर्डर के अंदर चलाना चाहो, या फिर आप इसको पैराग्राफ के अंदर चलाना चाहो, तो चॉइस आपकी जिसमें भी आप इसको चला सकते हो। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ चाहें तो मैं इसमें यहाँ पर क्या रख दूंगा, वर्ल्ड टैग, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू वेल क्लोज, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एल आई प्लस, और यहाँ पर एल आई। अगर ये सही है तो हमारा काम होना चाहिए। जरा इसको रन करें, ठीक है। इस तरह से इजीली आप इसको कर सकते हो। तो नंबर के साथ करें तो आपका जो ओएल है वो कंफ्यूज करे, तो यूएल इज बेस्ट चॉइस। क्लोज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर ईच सिर्फ एरे के साथ ही काम करेगा और कहीं ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मैप के साथ भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जाकर डिफाइन कर देंगे मैप एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। मैप जो है वो आपका ES6 में अपडेट किया गया था, ठीक है। और जनरली इसका हम लोग यूज जो है सोचा था वो रिएक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो आपने उसी के हिसाब से इसको ट्राई करना है। तो फाइल को ज़रा ओपन कराओ, एरे मैप, ठीक है। तो मैप सबसे छोटा तरीका है किसी भी डेटा को लूप कराने के लिए। अरे यार यहाँ, तो चलिए ट्राई करेंगे मैप। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है, इस वाले पार्ट को हटा दूँ और ट्राई करके देखें। नंबर्स डिफॉल्ट, तो यहाँ लिखेंगे वेरिएबल या कॉन्स्टेंट जो भी आप चाहें। इसको हम लोग नंबर्स नेम है, तो मैं इसको कर देता हूँ नंबर वन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे टू। नंबर्स वन डॉट आप यहाँ लिखेंगे मैप, और इसमें हम लोग कॉल करेंगे अपना फंक्शन माई फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें नंबर्स टू को कॉल कर देंगे, और नीचे आगे लिखेंगे फंक्शन माई फंक्शन, और इसके अंदर जाके आप वैल्यू अपेंड करेंगे, या लिखेंगे रिटर्न वैल्यू लाइक मल्टीप्लाई टू, इसका डिफाइन किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू है मेरी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर 10 है तो 25 होता, 10 होगा 15 होता तो 30 होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली
ये आपका काम है। अब जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह ना करें, हमने लिखा रिटर्न वैल्यू, तो जैसा था रिजल्ट आपका गाइस वैसे ही आएगा। आप इसमें भी चाहे तो BR वगैरह अगर लगाना है तो BR इसमें आप लगा सकते हो, आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका मैप का एडवांटेज है। तो मैप के थ्रू भी हम लोग इटरेशन वगैरह करा सकते हैं। फिर आता है फिल्टर, इटरेशन के अंदर फिल्टर, तो यहां जाइए और इस तरह के डिफाइन कर लो नंबर्स नंबर टू, और यहां जाके लिखेंगे नंबर्स वन डॉट फिल्टर, और फिल्टर में क्या डाल देंगे, फंक्शन का नेम माई फंक्शन, और नंबर्स टू को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ जाइए फंक्शन, और यहाँ पे लिखिए कि मेरे को पर्टिकुलर नंबर से कम या ज़्यादा का ढूंढना है। जैसे हम चाहते हैं कि 15 प्लस हमारे पास जितने भी नंबर हैं ग्रेटर देन 15, वो नंबर हमें मिल जाए, इसके अंदर फिल्टर हो गया। जैसे आप फिल्टर रन करोगे तो ये आपके ग्रेटर देन नंबर जो 15 से ऊपर के होंगे उनको शॉर्ट करके दे देगा आपको, जैसे 21 25 50, आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आपने लिख दिया लोअर देन 15 तो ये क्या करेगा, उससे कम वाले जितने भी नंबर होंगे उनको फिल्टर करके आपको दे देगा 10 5 11 13। आप चाहते हो कि ये शॉर्ट होके भी आए कि 5 10 11 13, तो शॉर्ट लगा लेना इसके आगे। शॉर्ट कैसे करते हैं वो आपको पता चल ही गया, फंक्शन डिफाइन करके ए कॉमा बी, उसके अंदर रिटर्न ए माइनस बी, तो ये आपका शॉर्ट भी काम कर जाएगा साथ में। तो ये होता है फिल्टर का काम, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है या इस रेंज के बाद का आपने ढूंढना है तब आप इसको ट्राई करो। फिर आपका आता है रिड्यूस, फंक्शन वैल्यू यानी कि रिटर्न, और ऊपर ना एक पैरामीटर और बना लो जैसे कि टोटल कॉमा वैल्यू, हमने अभी लिखा टोटल प्लस वैल्यू, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से। चलो इधर आ जाओ, रन करो इसको, तो क्या बना हमारा टोटल, जरा टोटल करके देखो उसका यही बनता है क्या, 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 13, है ना। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से टोटल करा सकते हो जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूस राइट एक्सटेंशन डॉट वैलिडेशन, जैसे भी मैंने कुछ टाइम पहले कराया था ना, तो फॉर्म वैलिडेशन जनरली आपके काम का होता है, बाकी JS इसमें आपके काम के नहीं है। जो जैसे आगे जाके मैं आपको स्लाइडर वगैरह चलाने सिखा दूंगा कस्टम कोडिंग से, बिना बूटस्ट्रैप के कैसे स्लाइडर चला सकते हो, ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हो, डिज़ाइन तुम्हारे में आएगी डिज़ाइन वाली जावास्क्रिप्ट, ये है डिफरेंट जावास्क्रिप्ट, लॉजिकल जावास्क्रिप्ट टोटल जो भी आप ये देख रहे हो ना। तो चलिए हमारे पास कुछ अगेन नंबर्स अवेलेबल है,
reduce the right. तो try करके देखो इसको reduce right के साथ, ठीक है? तो इससे भी आप same result ले सकते हो जो आपका reduce के साथ आता है. तो ये क्या करेगा, जितने भी नंबर सब उनको फाइंड करेगा, उनका सम करके आपको रिड्यूस राइट भी रिटर्न करके देता है इसके अंदर. नेक्स्ट आपका होता है एवरी, नंबर सिक्स. दो नंबर सीक्वेंस में जैसे 10 है, 11 है, और यहाँ पर जरा चेक करो एवरी का चेक करना पड़ेगा क्या. इसका जनरली होता है कि आपका सीक्वेंस बनाओ, इस लाइन की कॉपी ले लो, कमेंट करो, कुछ नंबर सीक्वेंस में बनाते जाओ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अभी जरा चेक करो रिटर्न वैल्यू इज ग्रेटर देन, और यहाँ जाके हम इसको रिफ्रेश करो. आज के लिए आपका काफ़ी सारे मेथड्स हो गए. एवरी वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करेंगे दोबारा से.